एक मंथ पहले मेरे पापा जी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हम इस हाल से गुजर रहे हैं। हमारा एक साल पहले से ही घर टूट गया था। बाद में हमें टेंट प्रोवाइड हुआ, जिसमें इस टेंट में हम इतनी गर्मी में रह रहे हैं, हमारा बड़ा मुश्किल था। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए रजौरी गैस एजेंसी के मालिक राकेश महाजन ने मूरी पैंथल ब्लॉक के एक पीड़ित परिवार को डोनेट की एक गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा। मैं आपको बता दूं कि राकेश महाजन जी ने अपनी टीम के सदस्य रुमेल सिंह और उनके साथियों को परिवार से मिलने के लिए आज सुबह भेजा और उनके साथ पैंथल ब्लॉक के ही सरपंच अशोक कुमार भी थे और उन्होंने गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर प्रेमचंद, जो एक महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए थे, उनके परिवार को ये डोनेट किया। आप देखिए NH1 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। आज हम कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक पैंथल और पंचायत धरेटी में आए हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच, जो कि लोगों के मसीहा माने जाते हैं, उनके साथ अशोक जी हैं और हमारे साथ सभी गणमान्य व्यक्ति, सोनू जी, हमारे रमेश जी और यहाँ पे जितने भी हमारे परिवेशपाल जी हैं आए हैं, आप मीडिया बंधु हैं। तो हमें सर ये एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक बाइट चली थी यहाँ पर और हमारे जो एजेंसी के ऑनर हैं, हमारे राकेश महाजन सर, जो हमेशा सामाजिक कामों में आगे रहते हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप फलाना गांव है वहां जाएं, वहां पे एक पीड़ित परिवार है, जाके एक्चुअल पोजीशन ग्राउंड में देखें कि उनकी क्या पोजीशन है। और राकेश महाजन जी जो हमारे जम्मू कश्मीर भाजपा के ऑल सेल इंचार्ज हैं और हमारे MS रजौरी गैस एजेंसी के ऑनर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तत्काल वहाँ जाके उनको पहले जो हमारी तरफ से एक चूल्हा, गैस और सिलेंडर मुहैया करें, ताकि जो पीड़ित परिवार है उनका चूल्हा चले। और उनके साथ ही उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप वहाँ के स्थानीय सरपंच जैसे अशोक जी से कांटेक्ट करें, आगे जो भी इनको जो जो सुविधा चाहिए होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रियासी वासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस परिवार का साथ दें। हमारे स्थानीय सरपंच जी पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके साथ जो उनके टीम लगी, आप देख सकते हैं कि किस कठिन परिस्थिति में ये लोग टेंट में रह रहे हैं और ये पीड़ित परिवार है, इनके सिर से साया चले गया। आप सोच नहीं सकते जिन बच्चियों के सिर से उनके पिता का साया चढ़ जाए, उनके लिए कितनी मुसीबत होगी। और ये बच्चियां जम्मू पढ़ती हैं और किस जिद्दोजहद से ये अपना पालन पोषण कर रहे हैं। मैं सभी जो हमारे सोशल वर्कर हैं रियासी के, चाहे कटरा के, जितने भी हमारे सोशल वर्कर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब का छोटा दान इनके लिए एक अच्छा योगदान बनके आज इनके घर में एक छत डल सकती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, हम यही कहते हैं हमसे भी जो होगा, हम सरपंच जी ने जिस तरह हमें बताया कि इनका अकाउंट नंबर हम ले रहे हैं, हम अपनी तरफ से भी इनको जो सुविधा उपलब्ध कराएंगे और साथ में जितने हमारी NGO से हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में, हम सभी से बात करके जो हम जो होगा वो करेंगे। बाकी महाजन सर जी ने पीड़ित परिवार के लिए क्लियर कट कहा है कि उन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आधी रात को उनके साथ हैं। मेरा नाम मानसी शर्मा है। एक मंथ पहले मेरे पापा जी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हम इस हाल से गुजर रहे हैं। हमारा एक साल पहले से ही घर टूट गया था। बाद में हमें टेंट प्रोवाइड हुआ, जिसमें इस टेंट में हम इतनी गर्मी में रह रहे हैं, हमारा बड़ा मुश्किल था। तो इन जो ये रियासी से हैं, इन्होंने हमारी गैस सिलेंडर की हेल्प की और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा आधा अधूरा घर है, अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करें तो ये पूरा हो सकता है। और जो इन्होंने हमें ये गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया है, राकेश महाजन जी ने, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं अशोक कुमार शर्मा, सरपंच तीर्थी पंचायत गांव मूरी और पैंथल ब्लॉक, यहाँ पे एक महीना पहले हमारे यहाँ डेथ हुई प्रीतम चंद की। उसके बाद उनका घर जैसे मतलब बुरी तरह हो गया, जिसकी मदद के लिए हमने बड़ा कोशिश की, बड़ा प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बहुत ही मदद हमें CO साहब से मिली, CRP 6 बटालियन सी है, उनसे मिली। आज यहाँ पे रुमेल सिंह जी अपने पूरी पार्टी लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो राकेश महाजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज इस परिवार पीड़ित परिवार को एक चूल्हा, एक सिलेंडर
पूरे कनेक्शन के साथ उन्होंने आज खुद रमेश सिंह जी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मूरी में मेरे साथ आए हूँ उनको घर में देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। इसके सिवाय उन्होंने और भी आश्वासन दिया कि जितनी मदद हम कर सकते हैं उतनी मदद करेंगे। पीएम बाई में इनका मकान जैसे बेघर हैं, पीएम बाई में मैंने आज से पहले 6 महीने पहले एक मकान इनका डाला था, लेकिन वो प्लंथ के ऊपर 4 दीवारी तक ही रहा, उसके ऊपर बना नहीं। आज ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, रियासी से भी आए हैं, और वो आश्वासन दिया कि इस मकान को 1 हफ्ते तक वो कम्प्लीट करवा देंगे, और भी किसी भी किस्म की मदद वो इनकी करवाएँगे। ये लड़की पढ़ती है जम्मू में, सेकंड ईयर में पढ़ती है, और ये दूसरी लड़की, इनकी 2 लड़कियां रह गई हैं प्रीतम चंद की, दूसरी लड़की जो गुंगी और बहरी है, और इनकी जो मिसेज है ये हाउस वाइफ है, ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज देख आप देख सकते हो इस मकान की क्या हालत है। ये टेंट में रह रहे हैं, एक टेंट 6 महीने पहले दिलवाया था हमने इनको, ये 6 महीने से टेंट में ही रह रहे हैं, तो इनकी बहुत बुरी हालत है। फिर हमने इनको अपनी वीडियो डाली, सरदार जी आए थे जम्मू से, और अभी यहाँ पे हमारे रियासी की टीम आई है वीडियो बनाने। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे कोई सरपंच है, पंच है, चाहे DDC, BDC, आम आदमी, कोई व्यापारी, बिजनेस मैन हो, वो ज़रूर इनकी मदद करें, क्योंकि आज इनके दिन बहुत बुरे हैं। खाने के लिए इनके पास रोटी भी नहीं है, और इनकम और सोर्स कोई नहीं है इनके पास, कमाने वाला कोई नहीं है। एक लड़की गुंगी बह रही है, दूसरी पढ़ रही है, और जवान लड़की है, माता ऐसी है, मकान टूटा हुआ है, अभी टेंट से बाहर है, इतनी गर्मी है, बुरा हाल है, लेकिन इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। हम सभी दादा बीबी 50-50, 100-100 रुपया भी डालें तो इनका काम चल सकता है, लड़की की पढ़ाई पूरी हो सकती है, इनका काम हो सकता है।